सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं व्हाई वी आर क्रिएटेड। अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम में मैं एक बच्चे से चैट कर रहा था, अनिकेत से, और उसने मुझसे 3-4 सवाल बढ़िया बढ़िया पूछे और मैंने उसका जवाब इंस्टाग्राम में ही दिया। मैं उसको आपसे भी डिस्कस करूँगा। उसने पहला सवाल पूछा, व्हाई वी आर क्रिएटेड, व्हाट इज़ द पर्पस। नाउ दिस इज़ अ बिग इनफ क्वेश्चन इन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रोबेबली इट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन स्पिरिचुअलिटी टू बी आंसर्ड। आध्यात्मिक जगत में इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है कि व्हाट इज़ द पर्पस, कि मैं क्यों बना हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मी, ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एंड व्हाई वी आर क्रिएटेड। नाउ दिस क्वेश्चन व्हाई वी आर क्रिएटेड इज़ अ रियली डिसेंट क्वेश्चन इन स्पिरिचुअलिटी टर्म्स और इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। व्हाई यू आर क्रिएटेड यू डोंट नो डियर, दिस इज़ अ वेरी बिग साइंस यू नो, एंड दिस इज़ रियली अ ग्रैंड साइंस, इट्स नॉट जस्ट अ बिग साइंस, इट्स अ ग्रैंड वन। ओके, why you are created, it is the biggest puzzle of this world, why you are created. Now when you search this puzzle, jab tum is paheli ko khojna shuru karoge, then you are going to find that there is no existence of yours. I have already told you in sankhya yoga that there is prakriti and there is purush. You are not the nature, that 36 elements, you know, that 35 elements, you are not that vayu and all earth and all. You are what you are. Okay, now, so the question is, if you are there, okay, I am not saying you are there, first of all. आप हो कि नहीं, इस पर एक सवाल खड़ा है, ठीक है? आपका होना एक सवाल है, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। एक पहेली है, तो तुम हो कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। इसको समझो कि तुम हो कि नहीं हो, और अगर तुम हो तो क्या हो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि तुम्हारे होने का, अस्तित्व का भान ही मुश्किल लग रहा है मुझे तो, कि मैं हूँ। अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ तो मैं हूँ या मैं बोल रहा हूँ, मुझे इस पर, मैं बोलता तो खैर कभी नहीं हूँ, पता नहीं कौन बोलता है, बैठ के तुम्हारे सामने कोई बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मैं तो कभी विचार ही नहीं करता मैं किस पे बोलूँगा और क्या बोलूँगा और कैसे बोलूँगा, मैं तो बस बैठा रहता हूँ और कोई बोलता रहता है अंदर से। अगर तुम्हें इस तरीके का भान होने लगे तो हो सकता है तुम जान जाओ कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस नहीं है। पांचवा अध्याय, प्रलपन्न सृजन नगच्छ, हो ही नहीं, प्रकृति कार्य कर रही है, ठीक है? तो तुम्हारे होने का भान तुम्हें क्यों बनाया गया है, ये तुम्हें भ्रम हो गया कि तुम्हें बनाया गया है, तुम हो ही नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ। फिर अगर ये मान भी लिया जाए, अगर तुम एक स्टेज माइंड को ले आए कि मैं तुम नहीं हो, इसका तुमने भान कर भी लिया, तो फिर तुम्हें ये खोजो उसके बाद, अगर तुम इस माइंड को इस अवस्था में ले आए हो कि तुम हो ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तुम उसके ऊपर जाओगे तो तुम हो। और मैं तुमसे कहता हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम कल्पना ही नहीं कर सकते तुम कितने खूबसूरत हो। इसकी कल्पना भी मुश्किल है कि तुम क्या हो, ठीक है? क्योंकि तुम तो सभी कुछ हो। और मैं तुमसे फिर कहूँगा कि तुम अपने आप को खोजो कि तुम कौन हो। भाई जीवन का उद्देश्य यही है, खोजो। ये एक सर्च है, एक चिंतन है जो हर समय चलना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, क्या मेरा जीवन आसान है? मुश्किल है बहुत। कुंडलनी बहुत सताती है, तुम्हें नहीं मालूम, हर समय मेरे को थकाती रहती है रोज़ाना कुछ नया नया ड्रामा करके, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने बैठ के बोलता हूँ मज़े में, देखो, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि पहले तो तुम इस अवस्था में पहुँचोगे कि तुम हो ही नहीं, और फिर जब तुम अवस्था से आगे बढ़ोगे तो तुम ही तुम हो और कोई दूसरा नहीं है। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो कि तुम्हें क्या करना है। तो पर्पस ऑफ क्रिएशन तो बस इतना ही है, अगर इसे एक लाइन में कहा जाए कि मैं कौन हूँ, इसकी खोज करना, ठीक है? इसकी खोज तुमने की और तुम अपने आप को जान गए, कहानी ख़त्म हो गई। पर ये तुम कैसे जानोगे, इसके भी अलग अलग स्टेजेस हैं। पहले तुम्हें धीरे धीरे भान होगा, सुनना शुरू करोगे, जानोगे, और फिर तुम महसूस करोगे उसको, फिर तुम अपने को महसूस करोगे, और फिर तुम ही तुम हो जाओगे। तो पहले इस अवस्था में लाओ कि मैं हूँ ही नहीं, और फिर उसके आगे की अवस्था में पहुँचो कि मेरे अलावा कोई नहीं, तो फिर तुम जीवन का आनंद ले सकते हो। तो तुम्हारे पर्पस, जो क्रिएशन का पर्पस है, वो यही है कि मैं कौन हूँ, बस यही जानना है बस। क्योंकि इसको जानते ही सारा खेल ख़त्म, ये तो सब एक जादू मंत्र खेल तमाशा है भगवान का, ऐसे किया बन गया, ऐसे किया गायब हो गया, वो जादूगर जैसे खेल दिखाते हैं। तो तुम इस जादू को सीख लो, ठीक है? चलो, थैंक यू।